देख लो रैंडम का क्या है, देखो एक्सेल पे दिखा रहे हैं, ये पहले पढ़ाया गया होगा, और नहीं पढ़े हो तो यहाँ पे देख लो कि क्या है रैंडम, ठीक है। यही पाइथन में भी है, तो अगर रैंडम ठीक से समझ गए एक्सेल में तो पाइथन में भी वही चीज है, ठीक है। तो देखो ध्यान से यहाँ पर देखो, एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला इक्वल टू से शुरू किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ एक फॉर्मूला रैंड का, क्या है फंक्शन बोलेंगे, रैंड का फंक्शन लगा रहे हैं, तो ये रैंड लगाया हमने, रैंड आर ए एन डी, ठीक है। और यहाँ पर जो है कोई भी एक नंबर लिख देते हैं, ये जो दोनों ब्रैकेट है, ये जो कि एक फंक्शन है, तो फंक्शन में जब भी होगा तो ब्रैकेट ओपन रहता है क्लोज रहता है, तो यहाँ पर दो लिख देते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे, दो लिखा है लास्ट में, तो दो के नीचे के जितने दशमलव के नंबर पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे मान लो 0.01, ये हो सकता है दो के नीचे ही है, 0.21 नहीं हो सकता है, क्योंकि दो के नीचे चाहिए, तो 1.9 हो सकता है, 1.7 हो सकता है, 1.97 हो सकता है, जो भी नंबर है वो नंबर आएंगे। तो देखो दो के नीचे के ही नंबर आएंगे, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, तो देखो ये दो के नीचे का नंबर है, और ये जो है चेंज होते रहता है, ठीक है। इसी तरीके का एक और फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं रैंड बिटवीन, क्या कहते हैं, तो देखो यहाँ पे रैंड बिटवीन भी बताते हैं, तो ये रैंडम से रिलेटेड सारे फंक्शंस हैं, तो ये रैंड बिटवीन है। अब इसमें क्या होगा, सबसे छोटा नंबर और फिर सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे छोटा नंबर 5 है और सबसे बड़ा नंबर 90 है, तो इसके बीच का कोई एक नंबर आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे इसके बीच का कोई एक नंबर आ जाएगा, ये आ गया, अब देखो वो भी नंबर चेंज हो रहा है, यहाँ पर पॉइंट में ये था, अब देखो 1 पॉइंट बन गया, और ये नंबर भी चेंज होता रहेगा। आप इसको चाहे तो ऐसे ड्रैग करके और इसको यहां से स्प्रेड कर सकते हैं नीचे तक, देखो ये फिर चेंज हुआ, ये 12 चेंज हो गया, ठीक है। देखो ध्यान से, अब ये 12 है, अभी मैं इसको ड्रैग व्रैग करवाऊंगा तो और भी चेंज होते चलेगा, देखो अब 56 बन गया ना, और ये ड्रैग करवा सकते हो, इसको भी ड्रैग करवा सकते हो ऐसे, तो ये एक्सेल में करवा सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं।